मेरी YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आज किचन में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आज बात करने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी की और उसी के साथ साथ मनीषा और सचिन की, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा रायता फैला रही है यूट्यूब पे, जिन्हें कि मतलब खुद के रिश्तों का पहले तो पता नहीं है। इतने दिनों से ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जो अगर इतने दिन से ये रिश्ता चल रहा था फिर अभी ये चीज़ स्टार्ट क्यों हुआ है? तो आज बात करेंगे हम इसी बारे में कि यहाँ पे मनीषा गलत है, नेहा गलत है या फिर सचिन गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ पे इतने दिनों से मैं देखते आ रही हूँ, तो मैं वीडियो बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के चक्कर में तो मैं परेशान हो गई हूँ। खैर उसको साइड में रखते हैं और आज इस बारे में मैं भी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जो है ना, जब भी यूट्यूब खोलो ना, सिर्फ यही लोग सामने आ रहे हैं और देख देख के ना परेशान हो चुकी हूँ। पहले तो ये लोग परिवार बोलते हैं और जो भी रिएक्शन चैनल दे रहे हैं वो भी अगर फैमिली हैं तो ऐसा रिएक्शन ना दे जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इतने दिनों से तो कोई बात नहीं हो रही थी, इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई मतलब इसमें उंगली उठाने वाला नहीं था। वो ना मनीषा थी, ना सचिन था और नेहा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। नेहा को तो सब लोग अच्छा समझते थे, यानी कि जगत दीदी को सब लोग बहुत अच्छा समझते थे, जो कि इस टाइम में ना सचिन ने उनका पूरा इमेज खराब कर दिया है, जो कि उसमें नेहा दीदी से ज़्यादा दोष सचिन का है, यानी कि जो है ना गुनहगार जो है वो सचिन ही है ज़्यादा। नेहा दीदी यहाँ पे कम गुनहगार है सचिन के मुकाबले। और जो ये मनीषा है ना, ये अपना पत्नी धर्म निभा रही है। मनीषा अभी भी अगर ये सारी बातें बोल भी रही है ना, फिर भी उसे घुट घुट के ही जीना है, क्योंकि वो सचिन के बारे में ना खुल के किसी के पास बोल नहीं पाएगी। अगर सासू माँ को बोलती है तो सासू माँ का वो बेटा है, खुल के उसके बारे में बुराई या खुल के अपने दिल की बातें सचिन के खिलाफ नहीं कर सकती, किसी बाहर वाले के साथ कर नहीं सकती और घर वालों के मम्मी पापा के साथ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे। तो अभी भी कुल मिला के मनीषा जो है ना, वो अंदर ही अंदर घुट ही रही होगी इतनी बात बताने के बाद भी। और यहाँ पे जगत दीदी बुरी तब बनी जब वो अच्छा बनने का कोशिश कर रही थी। जब बुरी बननी थी तो पहले बन जाती, जब वो ये सब कर रही थी, जब वो इस चीज से छुटकारा पाना चाह रही है तब वो बुरी क्यों बनी? इस जो ये जो दुनिया है ना, यहाँ के लोग जो है ना, इनमें यही प्रॉब्लम है, जब तक इंसान गलत है ना तब तक अगर किसी को नहीं पता है तो गलत भी है तो चलो सही है, लेकिन जब वो इंसान सही बनना चाहता है उस टाइम उसकी गलती अगर पता चलती है ना, तो लोग उसका साथ देके उसे सही नहीं करना चाहते, उसकी पहले की गलतियों को लेके उसको और ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गिरा देते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही ना पाए। अगर नेहा दीदी ने कुछ गलती की थी तो अब तो वो सुधर रही है ना, सुधरने की कोशिश कर रही है ना, और ये जो सचिन है ना, ये सुधरने की कोशिश नहीं कर रहा। नेहा दीदी ने इसका साथ छोड़ दिया है, इसलिए बौखला गया है, पागल हो गया। और ये चीज़ मनीषा को ना समझनी होगी कि सचिन जो है, ये नहीं कि वो दीदी ने सिखाया इसलिए वो ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिन पूरे अपने होशो हवास में सारे कामों को उसने अंजाम दिया, यानी कि अंजाम क्या दिया, कुछ गुनाह नहीं किया है उसने, ये जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो पड़ा। और मैं सच बताऊँ ना तो हमारे समाज में जनरली मेरे यहाँ ना, अगर मेरे साथ ऐसी बात होती ना तो घर के लोग ही ये बात कहते कि इसी में कोई कमी होगी इसीलिए हस्बैंड कहीं और चला गया। तो मेरे यहाँ तो ऐसी बात आ जाती, कम से कम आपके यहाँ तो ऐसा है कि मनीषा का सब साथ दे रहे, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ मतलब उल्टा ना लेडीज़ पे ही ब्लेम आता है कि इसी ने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया होगा या इसी में कोई कमी होगी, इसी कारण से हस्बैंड इसको नहीं पूछता है। तो मनीषा अपना पत्नी धर्म निभा रही है, वो सोच रही हर तरफ से रिश्ते में क्यों जाए, अपने पति से रिश्ता बचाना चाहती है, इसलिए वो अपने पति का साथ यानी कि पति की साइड से बोल रही है। नहीं तो गलती उसके पति की ज़्यादा है, यानी कि सचिन की ज़्यादा गलती है। और जो दीदी है ना, जगत दीदी यानी कि नेहा आशीष तिवारी, उन्होंने मतलब सोचा होगा कि अब धीरे धीरे इस रास्ते से हट जाती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ और इसे भी अपने लाइफ में सही रहने देती हूँ। जब तक वो गलती कर रही थी या रोक रही थी या इससे मिल रही थी, तब तक तो कोई नहीं जाना ना, तब तक तो किसी को भी पता नहीं लगा और कोई मतलब इस पर कोई चैनल नहीं, कुछ भी नहीं, इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं, यहाँ तक कि मनीषा भी नहीं। मनीषा को तो बहुत कुछ पता होगा ना, तो उस बीच में उसने क्यों नहीं बोला, उसने क्यों कोशिश नहीं की, क्यों प्रूव करने की कोशिश नहीं की? इस वक्त बोल रही है जब सचिन के हाथ नहीं आई नेहा दीदी,
यानी कि नेहा दीदी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है, सचिन से ये हजम नहीं हो पा रहा है कि वो शादी कहीं और कैसे कर सकती है, जबकि सचिन के पास तो उसकी बीवी है, फिर भी उसे मतलब इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी सीधी बीवी होने के बावजूद सचिन को नेहा दीदी में क्या दिखा पता ही नहीं। इसलिए बोलूंगी कि नेहा दीदी अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं प्लीज़ उनको आगे बढ़ने दे, उनकी इज्जत पे मतलब इज्जत को इस तरह से ख़राब ना करें। अगर आप तो फैमिली मेंबर हैं, कहते हैं ना यूट्यूब हमारी फैमिली है, तो फैमिली मेंबर का क्या काम होता है, अगर घर में कोई बच्चा गलत हो जाता है ना तो समझाते हैं, बुझाते हैं, बाकी उसकी जो बात है ना, अगर उसके बारे में कोई बुराई है तो उसको जगत वाले को नहीं बताते, मतलब सबको अगल बगल नहीं बताते कि मेरी बेटी में ये दिक्कत है या मेरी बहू में ये दिक्कत है, मेरे बेटे में ये दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं बताते। तो फिर कहाँ से हो गई फैमिली, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेहा दीदी अगर आगे बढ़ना चाहती है, जब तक बुरी थी कोई नहीं जान रहा था, जैसे ही दीदी अच्छी बननी चाह रही है, सब चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे जाना चाह रही है, वैसे ही सबको खटकने लगी। आज अगर इस कारण से दीदी का रिश्ता टूट जाता है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं नहीं, ये कोई त्यौहार नहीं है कि एक साल बीत गया अगले साल अच्छा हो जाएगा, ये पूरे लाइफ का सवाल है। अगर खुदा ना खास्ता सुमित जीजा जी यानी कि होने वाले हस्बैंड जो है नेहा दीदी के, वो अगर मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्शन करे और उनसे शादी ना हो तो कितना मलाल होगा ना, मुझे तो बहुत होगा कि सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया। अगर वो चाहते हैं कि सचिन अपनी जगह रहे मनीषा के साथ और जगत दीदी मतलब अच्छे से अपने लाइफ में सेटल हो जाए, फिर ये सब क्यों करना। घर वाले थे पहले ही साथ में बैठ के उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए था, इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लानी नहीं चाहिए थी। मैं हजार बार बोलूँगी कि घर की बातों को सोशल मीडिया पे ना लाएं, वरना कुछ भी नहीं रहता, कोई इज्जत नहीं रहती और धज्जियाँ अलग से उड़ती है इज्जत की। और आप सोचते होंगे ना कि कोई फेवर करेगा, सब भूल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जिसकी बर्बाद होती है ना उसे समझ में आता है। तो प्लीज़ पर्सनल जो प्रॉब्लम है, रिश्तों में जो करवाहट है, सच्चाई, ये सब को बीच में ना लाएं। जो वीडियो बना रहे हैं नॉर्मली आप बनाएं, कभी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो साथ में दिखाएं, छोटा मोटा झगड़ा है मना रहे हैं रूठ रहे हैं तो वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल जो है ना ये सब बातें ना बताएं। अगर आज नेहा दीदी की शादी नहीं होती है सुमित जीजा जी से तो उन पे क्या बीतेगा, और ये कितना लंबा टाइम का पूरे लाइफ की सवाल, पूरा लाइफ का सवाल था ना, तासी का सवाल था, वो तासी क्या सोचेगी आगे जाके। आप लोगों ने बच्चों के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा कि वो जो तासी है वो कितनी छोटी, उसके ऊपर क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेगी। हो सकता है नेहा दी दुख में होगी, इमोशनल सपोर्ट होगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई होगी, लेकिन सचिन उसको क्या हो गया, वो तो अपने दुख सुख सारी बातों को मनीषा के साथ शेयर कर सकता था। उसको मतलब उसके साथ तो ऐसा था ना कि वो अपनी पर्सनल बातों को अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकता था, या फिर उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसके अंदर, या फिर पति पत्नी में बहुत सारी बातें होती जो कि नेहा दीदी नहीं कर सकती थी। हाँ भाई बहुत प्यार करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छा भाई उनका, भगवान करे वैसे भाई सबको मिले, लेकिन भाई से आप सारी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे सारी बातें ना भाई को नहीं बता सकते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ आप भाई को नहीं बता सकते हैं, वो एक मतलब पति ही समझ सकता है। तो चलो एक घड़ी समझते हैं, उनके पास पति नहीं था, इन्होंने इमोशनली मतलब उनकी सारी बातें सुनी होगी और थोड़ा सा रिएक्ट किया होगा, थोड़ा सा प्यार दिया होगा तो वो थोड़ा सा हो गई, लेकिन इसको इसके पास तो थी ना, ये तो मतलब रह सकते थे ना कि मेरे पास तो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सीधी सी बीवी, ऊपर से वो जब इधर से मना भी कर रही थी, थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलती होगी, उसको सुधारने का मौका तो मिल रहा था ना, फिर इतना लंबा लेके जाने का क्या था। उसके बाद भी सचिन अभी सुधर नहीं रहा है, उसे बस ये लग रहा है कि अगर उन्होंने इसको छोड़ा, इसको धक्के दे के बाहर निकाला, हो सकता है उन्हें लगा होगा कि ये आएगा तो कुछ वैसी बातें हो जाए जो सुमित जीजू जी को पता चल जाए, सुमित जीजा जी को, सुमित महल को, तो इसलिए उन्होंने आने नहीं दिया होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, नॉर्मल सी बातें जिसे बहुत बड़ा बनाया गया, और उसके बाद ये सब जो है ना, ये सब व्यूज़ का भी थोड़ा चक्कर हो सकता है। और ये सचिन का क्या है कि बार बार सुसाइड क्यों अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिटी डाल रहा है, डिलीट कर रहा है, लाइक डाल रहा है, डिलीट कर रहा है, ये क्या है,
ये तो सिर्फ नेहा दीदी को ना पागल बना रहा है, और पागल क्या बना रहा है, मतलब नेहा दीदी को ना परेशान कर रहा है कि वो किसी तरह ना उनकी शादी टूट जाए, और यहाँ मनीषा को भी ना इमोशनली पूरा ब्लैकमेल कर रहा है अंदर से कि वो किसी तरह ना जो है ना डर से चुप रहे कि वो मर जाएगा, कुछ कर लेगा, उसकी शादी टूट जाएगी, पति पत्नी नहीं रहेंगे, मतलब बहुत कुछ डाइवोर्स वगैरह, तो इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वरना अगर वैसा होता और ऐसा हो रहा होता तो चुपचाप से जो है ना सचिन बायकॉट हो जाता नेहा दीदी से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता। मनीषा को जो करना था या उसके मन में जो कड़वाहट थी वो निकाल सकती थी वीडियो में, या थोड़ा मोड़ा हो सकता था। सचिन को इस मैटर के में ना कुछ नहीं बोलना था, वो चुपचाप से ना अगर वो सही रास्ते पे आ गया था माफ़ी मांग लेता मनीषा से और बोल देता आइंदा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, उनको अपने रास्ते जाने दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। अच्छा वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई ताकि मैं मतलब मुझे भी जो है ना अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो सचिन को करना नहीं है। वो तो सोच रहा है कि कैसे नेहा की शादी टूट जाए। अब मैं जब इतना परेशान हूँ तो नेहा क्यों नहीं परेशान हो, और इसकी तो परेशानी थोड़ी देर की क्योंकि इसकी बीवी तो अच्छी है और शादी रखी मतलब रखी है, तो मनीषा तो इसके पीछे है ही, सोचती है मेरा पति मेरा देवता है और इस चीज़ का ये फायदा उठा रहा है, मेरे साथ तो ये है ही, वो नहीं तो ये सही। लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि नेहा आशीष तिवारी अभी लाइफ में अकेले है, वो अपने बच्चे की मम्मी, उसको एक मतलब बेटी है, उसके लिए उसे पिता की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं थी, क्योंकि हमेशा भाई साथ नहीं होगा, भाई के भी अपने बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, अपना घर है, तो इनको मतलब सपोर्ट करने के लिए तो कोई चाहिए था जो अच्छे से मिल भी गया। सारी पहले की बातें थी, जब ये पहले की बातें थी तो फिर अब क्यों बीच में आ रही हैं, अब तो लाइफ अच्छे से चलने दो। अगर सचिन अगर तुम चाहते हो कि मनीषा के साथ आगे बढ़ो, मनीषा जो बोल रही है उसे बोलने दो, उसे वीडियो बनाने दो, लाइक डालने दो, कम्युनिटी डालने दो, नेहा को जो जवाब उसको देना है वो देने दो, आप तो चुप हो जाओ, आप तो सोचो कि कम से कम मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, अब यहीं से रुक जाता हूँ। आप जो है ना मतलब हर बात को बढ़ा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे हो मनीषा को भी और नेहा दीदी को भी, और साथ साथ में नेहा के भाई को भी, इसलिए प्लीज़ ऐसा काम मत करो जो सबकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए, क्योंकि बहुत इज्जत था उनका तिवारी परिवार का, जो मतलब अब ख़त्म ही है समझो। इसलिए प्लीज़ इसमें मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, ना नेहा दीदी का ना मनीषा का, इमोशनली मैं मनीषा के साथ हूँ, लेकिन वो सचिन को इतना फेवर ना करे, उसे भी अंदर से सारा कुछ पता है, लेकिन उसका पति है तो क्या करेगी, मैं उसके मतलब अंदर से उसको समझ सकती हूँ। लेकिन जिस तरह से किसी लड़की की सोशल मीडिया पे धज्जियां ना उड़ाए उसके इज्जत की, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इज्जत की धज्जियां उड़ती है तो कैसा लगता है, तो प्लीज़ अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह आप सारी बहू बेटियों की इज्जत को समझे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, वो नेहा हो जी हो या फिर मनीषा हो या फिर सचिन हो, कि प्लीज़ इतनी पर्सनल बातें को ना आप लोग सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। अगर कोई बात है, किसी बात के लिए आप लोग को परेशानी है, तो आप लोग बैठे पर्सनली उस बातों को सॉल्व कर लें, अगर कोई दिक्कत है तो, और अपने रिश्ते को ना हंसी खुशी आगे बढ़ाएं। इस तरह से ना सोशल मीडिया पे प्लीज़ शेयर ना करें, क्योंकि इस बात का कितना आप इतनी सी बात बोल रहे हैं उस पर इतना लग के जा रहा है। और मुझे पता है कि नेहा आशीष तिवारी गलत हो चाहे सही हो, उनके ऊपर अभी क्या बीत रहा हो, वो अपनी पक्ष भी नहीं रख रही हैं, तो वो जब गलत थी तभी तो कोई मतलब कोई बात नहीं थी, और जब वो सही होना चाह रही हैं तब उनके साथ इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इंसान ना जल्दी सही नहीं होना चाहता, इसलिए इंसान ना मतलब अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता, या मतलब उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाता कोई भी गलती से। अगर सब लोग मिल के साथ देते ना, तभी इंसान अगर कोई गलती भी कर रहा होता ना तो उससे मूव ऑन करके सही रास्ते पे चलता है। लेकिन यहाँ के इंसान क्या है ना, गांव हो, समाज हो, या फिर अगल बगल के लोग हो, या ये सोशल मीडिया हो, हर लोग यही चाहते हैं ये सुधर रहा है, तो मतलब अरे साथ दो ना, अगर वो पहले गलत था अब सही है तो अब तो सही है ना, अभी से साथ दो, पीछे का क्यों देख रहे हो, पीछे वो क्या था नहीं था, चलो ठीक है पहले वो गलत थी, अब तो सही होने की कोशिश कर रही है ना, अभी से साथ दो। लेकिन नहीं, पहले की गलती, पहले जब वो गलत थी तभी आप लोग तो उसको जगत दीदी बना रहे थे, अब जब वो सही होने की कोशिश कर रही है तो वो अब गलत हो गई, तो प्लीज़ आप लोग अब सपोर्ट करें और कोई भी गलत या भद्दे भद्दे जो है ना वीडियो तो उनके ऊपर ना बनाए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी बताऊँगी एक दिन वीडियो में कि आजकल वीडियो बना क्यों नहीं रही हूँ,
बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ लाइट से, अपने वीडियो से, व्यूज से, हर चीज़ से। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।